नौजवान जिस तरीके से हज करने के लिए भारत से पैदल चलकर जो है सऊदी अरबिया तक जाएंगे और अगली साल वो जाकर हज यात्रा करेंगे, और जिसमें वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए दुआ मांगेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहित शर्मा ने सिहाब की तारीफ करते हुए कहा कि मैं खुद राजस्थान जाऊंगा और सिहाब का स्वागत करूंगा, और उन्होंने सिहाब से कहा कि सिहाब वहां जाकर हिंदुस्तान के लिए दुआ करे। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। जिस तरीके से हज करने के लिए भारत से पैदल चलकर जो है सऊदी अरबिया तक जाएंगे और अगली साल वो जाकर हज यात्रा करेंगे, और जिसमें वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए दुआ मांगेंगे। बीच जो है हम भी जो है वो राजस्थान जा रहे हैं, और राजस्थान जाकर मैं खुद चाहब का जो है उनका जो है वो स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। जिस तरीके से वो आपने देखा केरल से चल के गुजरात, फिर राजस्थान, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान जाएंगे, वहां से अफगानिस्तान, इराक, और एक बहुत लंबा उनका रोड मैप है। भारत देश में हज यात्रा पर हर साल हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भारत देश से पैदल हज यात्रा पर जा रहा है। और मैं शिहाब से यही अपील करूंगा कि आप जा रहे हैं, आपको ईश्वर इस कार्य में बहुत सफलता प्रदान करेगा। और जिस तरीके से शिहाब जा रहे हैं वहां पर, तो सऊदी अरबिया तक अब आप ये समझिएगा कि चर्चा होगी, और चर्चा सिर्फ यही होगी शिहाब की तो होगी ही होगी, चर्चा यही होगी क्योंकि भारत से चल के आया है। जिस तरीके से शिहाब जो है वो हज की यात्रा पर जाएंगे, और जब वो हज की यात्रा से लौटेंगे तब भी हम उनके स्वागत में वहां पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट से एयरपोर्ट पे हम उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। तो दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि जब सिहाब हज से वापसी फ्लाइट से आएंगे तो हम एयरपोर्ट में सिहाब के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। इन भाई के लिए कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। तब तक के लिए किसी दूसरी वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।